नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है अपने उत्तर प्रदेश का। अपने उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल दुबे ने द्रौपदी मुर्मू को विजय होने पर शुभकामनाएं दी। अनिल दुबे ने कहा कि लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति पद पर बैठने है भारत की गौरवशालीनता को ये बढ़ाएंगी और साथ ही साथ हमारे पिछले वर्ग के लोगों को भी इसमें न्याय मिलता नजर आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में एक ऐसा उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा किया था जो शोषितों की, दलितों की, वंचितों की, आदिवासी की, गिरवासी की, बनवासी की, सबकी आवाज थी। और यही वजह रही कि सभी दलों ने और पार्टी लाइन से अलग हटकर भी लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके कृतित्व को देखते हुए वोट दिया और ऐतिहासिक विजय द्रौपदी मुर्मू जी को। उधर लखनऊ में कांग्रेस के प्रवक्ता ने देश के नए राष्ट्रपति को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के सदस्यों से लेकर राष्ट्रपति के पद तक मुर्मू जी ने एक बड़ा इतिहास रचा। साथ ही ये भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू पहले विधायक हुआ करती थी और मंत्री भी रही, गवर्नर भी रही हैं और उम्मीद है कि राष्ट्रपति के पद पर रहती हुई भी वो अच्छा काम करती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो देश की पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने पर उनको बधाई, साथ ही साथ पूरे देश को बधाई। हम सबको इस बात की उम्मीद है कि उनके पास एक विशाल अनुभव है। वो नगर पंचायत के सदस्य से लेकर देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं, तो उनका अनुभव बहुत विशाल है। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके देश के प्रधानमंत्री जी का जो तरीका है और जो हम लोगों ने पीछे 5 सालों तक रामनाथ कोविंद जी के साथ होते हुए देखा है कि तमाम अवसरों पर राष्ट्रपति के पद को। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत पर सोनभद्र में भी जश्न मनाया गया है और द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्र की 15वीं महामहिम राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर लोग लगातार मिठाइयां बांट रहे हैं। सलखन में स्थित बृंदा आश्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर वृद्ध जन के साथ मिलकर खुशियां बांटी और हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाई गई। इस अवसर पर बड़हर पूर्व रियासर की राजकुमारी दीक्षा कुमारी और काशी क्षेत्र मीडिया प्रभारी विपिन तिवारी के साथ साथ भाजपा युवा मोर्चा सहित तमाम लोग मौजूद रहे और वहीं दल जिला अध्यक्ष सौरभ कांत तिवारी ने यह कहा है कि निश्चित ही आज एक गौरवशालीन और ऐतिहासिक के दिन है। हमें अपने संविधान को लिखित हर एक विषय को सार्थक होते देख रहे हैं और ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। तो वही उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक दिवसीय दौरे पर जो है वो जसवंत सिन्हा रहेंगे प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री। जसवंत सिन्हा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं और इसमें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी कि बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव की बधाई भी देते नजर आए हैं और ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है। एक दिवसीय दौरे पर जसवंत सिंह है और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के पद पर अभी बने हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि राज्य सरकार लगातार योजनाएं जो है वो गरीब तबके और पिछड़े वर्ग को लेकर लगातार बना रही है और वो किस तरह से राज्य के नागरिकों तक पहुंचाई जाए इसको लेकर जसवंत सिंह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और सख्त दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से जो समस्याएं लोगों की हैं वो दूर की जाए और सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब तबके तक कैसे पहुंचे।
उधर सीबीएसई की ओर से 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल बना हुआ। वहीं छात्र डिजी लॉकर से रिजल्ट चेक कर सकते हैं और सीबीएसई रिजल्ट के इस बार छात्राओं ने बाजी मारी। परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 98.93% रहा और वहीं केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 97.04% रहा। इस साल रिजल्ट में सभी जोन में त्रिवेंद्रम सबसे ऊपर बना रहा। और बता दें कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट लेकर छात्र लंबे समय से अनिश्चितता की स्थिति में जूझ रहे थे और नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित सीबीएसई टर्म फर्स्ट बोर्ड परीक्षा एमसीक्यू फॉर्मेट में हुई थी और उसके बाद अब ये रिजल्ट घोषित किया गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नियमों को लेकर लगातार ताक पर रख के नजर आ रहे हैं और 6 में से 8 सवारियां बैठाकर उन सभी की जिंदगी को दांव पर लगातार लगाया जा रहा। बैटरी ई रिक्शा बगैर नंबर के ही राजधानी की सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती हुई नजर आती। आपको बताएं कि मार्च के महीने में ई रिक्शा वालों को एक बुजुर्ग की ठोकर मार दी थी और वहीं ई रिक्शा का नंबर नहीं होने की वजह से अभी तक उस रिक्शे वाले का पता नहीं चल पाया। इस तरह से तमाम घटनाएं आए दिन निकलकर सामने आती ही रहती हैं, मगर जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंख बंद कर तमाशबीन बने रहते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर आ रही है जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 25,000 का इनामी बदमाश जो है वो अवैध तमंचे और कारतूस के साथ बरामद हुआ। हत्या के मामले में ये फरार बताया जा रहा था बदमाश और 2021 में कुल्हाड़ी से एक युवक की इसने हत्या करी। अनुप कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है कि इसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आई है। 25,000 का ये इनामी बदमाश है। अवैध तमंचा और कारतूस भी इसके पास से बरामद हुआ है और हत्या में जो सामग्री इस्तेमाल करता था वो भी फिलहाल बरामद पुलिस ने कर ली है। यानी कि हमीरपुर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है और बड़ी कामयाबी के साथ साथ 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया जा चुका है। अवैध तमंचा और कारतूस भी उसके पास से पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और 2021 का ये पूरा मामला है जब एक कुल्हाड़ी से एक शख्स की इसने मौत कर दी थी और तभी से पुलिस लगातार इसको पकड़ने का प्रयास करती हुई नजर आ रही थी। वांछित अभियुक्त है, इनका नाम राजेंद्र राजपूत है और उम्र इसी करीब जो है 24 वर्ष है और बिलगांव गांव पड़ता है थाना जलालपुर में। इसे इसमें गिरफ्तार किया गया और ये हत्या के जो है अभियोग में वांछित चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसे पुरानी मोड़ पर जो हमारे थाना अध्यक्ष जलालपुर हैं संजय सिंह, उनकी और उनकी टीम ने जो है गिरफ्तार किया है। नवंबर 2011 में हत्या हुई थी कमलेश कुमारी जी के पति की, उसमें 4 लोग जो हैं इस घटना में शामिल थे जिसमें 3 लोगों की जो है गिरफ्तारी की जा चुकी थी जिसमें एक महिला भी। उधर लखनऊ के दुबग्गा इलाके में पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आती है और दरअसल राजू नाम के युवक ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। पीड़ित की मां ने न्याय की गुहार भी लगाई है और दुबग्गा के कई धाराओं के तहत सौतेले पिता राजू पर केस दर्ज किया गया। पीड़ित मां के मुताबिक पहले वो 2-3 बार राजू ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और शिकायत भी की है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आई है। लखनऊ के थाना जानकीपुरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डीसीपी नॉर्थ ने जानकीपुरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है और साथ ही साथ प्रभारी निरीक्षक जानकीपुरम को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थाने पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और उन्होंने समस्याओं को सुना है और समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं।
उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धरले से पेड़ों को काटा जा रहा है और अधिकारियों की इसमें मिलीभगत बताई जा रही। प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि जो पेड़ हैं वो लगातार काटे जा रहे हैं और प्रशासन इसकी ओर कोई भी ध्यान देता हुआ नजर नहीं आया। गांव बनियनपुरवा का ये पूरा मामला है, जहां पर धरले से जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं और गोंडा की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर गोंडा से निकलकर आ रही है, अधिकारियों के मिली भगत का भी सीधे तौर पर आरोप लगा हुआ है और प्रशासन के आला अधिकारी भी इसके ऊपर कोई भी ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और पेड़ काटने की समस्या जो है वो बहुत पुरानी बनी हुई है और एक बड़े पैमाने पर गोंडा में धड़ल्ले के साथ जो है वो पेड़ों को काटा जा रहा है और अधिकारी भी इसके ऊपर सुध लेने को बिल्कुल भी तैयार होते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बताएं, ये गोंडा की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को एक बड़े पैमाने के ऊपर काटा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह बनती है कि जिनकी जिम्मेदारी इन पेड़ों की सुरक्षा करने की है, आखिर वो क्यों आंख मूंद के बैठे हुए, क्योंकि पेड़ अगर नहीं होंगे तो काफी समस्याएं इस राज्य देश और जिले के लिए उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी और उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी आंख मूंद कर जो है वो बैठे हुए। और बताया ये भी जा रहा है कि अधिकारी जो निचले दर्जे के अधिकारी हैं उनकी इसमें काफी मिली भगत है और लगातार वो पेड़ों को कटवा रहे हैं। लेकिन एक बड़े पैमाने पर अगर पेड़ों की इसी तरह से क्षति होती रही तो आने वाले दिनों में काफी बड़ी समस्याओं से देश और राज्य जो है वो जूझते हुए भी नजर आ सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मथुरा पुलिस की, जहां एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। आपको बताएं कि पुलिस और बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, एक बदमाश भागने में सफल रहा और पुलिस ने यह बताया है कि 20 मई को धर्मपुरा निवासी जितेंद्र को हाथ में गोली मारकर घायल कर दिया गया था और उसकी बाइक लूटकर फरार हो गए थे और इस पूरे मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बदमाशों की पहचान कर तलाश लगातार की जा रही थी और इसी को लेकर पुलिस को कामयाबी हाथ लग गई है। दिनांक 20 मई को थाना फरा के ओल चौकी क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार के ऊपर फायरिंग करके उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी, जिसमें उसके हाथ में गोली लगी थी। इस घटना के अनावरण के लिए हरा पुलिस सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीमें लगी हुई थी। आज जरिए मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाशों का मूवमेंट इस रास्ते से होने वाला है, इसी प्रत्याशा में हमारी टीमें यहाँ लगी हुई थी और जब दो मोटरसाइकिल से कुछ लोग आते दिखे तो इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। बदमाशों द्वारा सीधा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने अपनी। उधर गोंडा के कुड़िया इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से एक महिला की ही मौत हो गई और दो छोटी बच्चियां उसमें घायल हुई। जिस वक्त बिजली गिरी उस वक्त महिला खेत में धान के पौधे लगा रही थी और घायल बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल में रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक मृतका का पति लुधियाना में मजदूरी का काम करता है। उधर गोंडा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उफान पर घाघरा और सरयू नदी लगातार बनी हुई है और बारिश के चलते उफान पर नदियां जो है वो बनी हुई है, खतरे के निशान को पार पहुंचती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो खतरे का निशान होता है उसको पार कर जाएंगी अगर इसी तरह से जो है बारिश होती रही। इस वक्त ये बड़ी खबर गोंडा की बता रहे हैं, जहां पर
उफान पर घाघरा और सरयू नदी जो है वो लगातार बनी हुई है और बारिश के चलते उफान पर नदियां जो है वो बन रही हैं और खतरे के निशान के पास घाघरा नदी वो पहुंच गई है और बांध से सटे जो गांव हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी अब परेशानी और मुश्किलें लगातार बढ़ रही है क्योंकि जो उनका मकान है वो निचले स्तर पर होता है और पानी का जो स्तर है वो लगातार वहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर चिंताएं जो है वो ग्रामीणों की लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर इस समस्या से अब कैसे निपटा जाए। आपको बताएं गोंडा से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर घाघरा और सरयू नदी जो है वो उसका जल स्तर लगातार बारिश के चलते उफान पर बना हुआ है और खतरे के निशान के पास जो है वो घाघरा नदी पहुंचती हुई नजर आ रही। तस्वीरें आप साफ तरह से देख सकते हैं जो ग्रामीण है गोंडा के वो किस तरह से अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और अपना सामान, अपनी जो पारिवारिक जिंदगी है उसको कहीं और शिफ्ट करते हुए नजर आ रहा है क्योंकि नदी का जो जल स्तर है वो लगातार एक बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है और उससे काफी परेशानी गांव वालों की लगातार बढ़ रही है। उधर नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है और आपको बताएं कि पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो अपने ही मालिक के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2,37,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं और एसटीसीपी रणविजय सिंह ने यह बताया है कि मालिक ने दुकान का सामान लेने के लिए भेजा था जिसको देखकर इसको लालच आ गया और पैसे लेकर यह रफू चक्कर हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखिए 16 जुलाई को सेक्टर 58 थाने पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें वादी का यह आरोप था कि उनके यहाँ लगभग 8-10 सालों से काम करने वाला एक व्यक्ति था प्रदीप, जो हमीरपुर का रहने वाला था। उसको इन्होंने दुकानदार ने लगभग 3.25 लाख रुपये दिए थे कुछ सामान परचेज करने के लिए, लेकिन जो इनके यहाँ काम करने वाला प्रदीप था ये पैसे को लेकर के भाग गया। उनके एप्लीकेशन पे हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद इसके छानबीन में लग गई हमारी फोर्स और हम लोगों ने आज उस प्रदीप नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पोजीशन से उस 3,25,000 में से 2,37,000 रुपये हम लोगों ने बरामद किए हैं। बाकी इसके बाद इसमें अन्य जो एविडेंस है कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से इस वक्त बड़ी खबर है जहां पर बाल विकास योजना को पलीता महीनों से नहीं लग पा रहा है और पोषण आहार लोगों ने प्रशासन पर भी आरोप लगाए, यानी कि लगातार आरोप जो है वो प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। शिकायतों के बावजूद भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाल विकास योजना को लगातार लेकर शिकायतें आती ही रहती हैं और ये योजना को लेकर पलीता लगता हुआ नजर आया। महीनों से जो पोषण आहार है वो नहीं मिल रहा है और लोगों ने प्रशासन पे अब गंभीर आरोप लगाए हैं और शिकायतों के बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा है, ऐसा स्थानीय लोग जो है वो कहते हुए नजर आ रहा। गोंडा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बाल विकास योजना का पलीता लग रहा है और महीनों से जो पोषण आहार होता है वो लोगों तक मुहैया नहीं हो पा रहा है और इसकी शिकायत की है, लेकिन समाधान जो है वो वहां के नागरिक, स्थानीय नागरिकों को, गरीब तबके को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गल्ला 5-6 महीना पर आ थे, गल्ला नहीं दिए थी और कुछ भी बोलो तो कहीं 100 नंबर मिलाए दे या कुछ हमारे कहीं ना पई हो गल्ला भी तुरंत कहीं 100 नंबर डाल। आपको बताएं शिकायतों के बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा है, ऐसा स्थानीय लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये गोंडा की आप तस्वीर देख रहे हैं, शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर अब यहां के निवासी और नागरिकों के बीच में काफी गुस्सा भरा हुआ है।
उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवाया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर लगातार बवाल हो रहा है और पंकज तिवारी की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा। कार्यवाहक जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी है और डीएम कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन जो है वो दिया जा रहा। डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया, यानी कि सोनिया गांधी से जो पूछताछ ईडी कर रही है उसको लेकर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर देश का कोई भी राज्य, हर एक राज्य से कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन और अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी कड़ी में यह तस्वीर रायबरेली से भी निकलकर सामने आई है। अभी सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर जो ये स्वतंत्र जांच एजेंसी है ईडी है सीबीआई है, इसका लगातार भाजपा की सरकार दुरुपयोग कर रही है। अभी आप सब लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी को इन्होंने तलब किया, 5 दिन तक उनसे पूछताछ किया, कोई भी उनसे कोई उनके पास प्रश्न नहीं थे पूछने के लिए, कुछ नहीं निकला क्योंकि उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसी तरह जो हमारी सोनिया गांधी जी हमारे रायबरेली जिले की जनप्रिय सांसद हैं, जो त्याग तपस्या और बलिदान की मूर्ति हैं, इनको भाजपा सरकार ने की द्वेष भावना से ग्रसित होकर इनको तलब किया है। एक बार फिर से नोएडा प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर अपना पीला पंजा जो है वो चला दिया है। प्रतला गोल चक्कर में डूब क्षेत्र में अवैध फर्नीचर मार्केट बनी हुई है, जिसके ऊपर फेज 3 पुलिस और प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चालक ध्वस्त कर दिए गए हैं और साथ ही साथ प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह बताया है कि यह मार्केट अवैध रूप से डूब क्षेत्र में बनाई गई है। इस दौरान पुलिस ने सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों को भी नहीं बख्शा है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेल प्रशासन का सराहनीय कदम जो है वो निकलकर सामने आया है। 34 महिला कैदियों को लगातार शिक्षा दी जा रही है और 5 बच्चों को भी लगातार शिक्षा दी गई है। 2 बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया गया है, यानी कि लगातार हमीरपुर जेल प्रशासन की एक कदम की सराहना जो है वो की जा रही है। इससे पहले भी लगातार जेल प्रशासन को ये आदेश दिए गए हैं कि लोगों को सुधरने का मौका दिया जाए और उसी कड़ी में महिला और बच्चों के स्कूलों में ट्रांसफर एडमिशन करवाए गए हैं। उधर रायबरेली से हैरान कर देने वाली एक खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर सास और पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने ऑल आउट पी लिया और युवक गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में इसको भर्ती करवाया गया है और युवक के पिता का यह आरोप है कि उनके बेटे को फंसाने की लगातार कोशिश की जा रही, जिससे तंग आकर उसके बेटे ने आत्महत्या करने का ही प्रयास कर लिया। चार फरवरी की इसकी शादी हुई थी और 23/6 को उनके लड़की के माता पिता को जब लड़की ले वाले गए थे और उसके बाद कहा था 15 तारीख को भेज देंगे, फिर नहीं भेजा। गाली गुप्ता कह रहे तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हें मरवा देंगे। इसी से काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ इन लोगों का फ़ोन पे, उसके पीछे उसने आत्महत्या के लिए कर दिया और बयान से वो SO और जहानाबाद चौकी इसमें अस्पताल चौकी इंचार्ज के पास में स्टेटमेंट में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर 12वीं के परीक्षा परिणाम जो है वो घोषित हो गए हैं और परीक्षा परिणाम में तन्या सिंह ने टॉप किया है। 500 में से 500 अंक हासिल कर रहे हैं, यानी कि 500 में से 500 अंकों को ही हासिल कर लिया। बुलंदशहर की ये खबर है, जहां पर 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और तन्या सिंह जो है वो टॉपर बनी है। इससे पहले भी महिला यानी कि जो छात्राएं हैं उन्होंने इस बार फिर से 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। सर टीचर्स का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है और सर स्कूल प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ही अचीव कर पाई। सर मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी।
उधर लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर हिरासत में एक पुलिस अधिकारी जो है वो आया, फर्जी पुलिस अधिकारी था, राकेश त्रिपाठी नाम का ये शख्स था और डेयरी दूध का सप्लायर है ये आरोपी और खुद को पुलिस अधिकारी बताया करता था। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है और राकेश त्रिपाठी नाम का ये शख्स है और अपने आप को पुलिस अधिकारी बताया गया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आती हुई नजर आई और इसको गिरफ्तार किया। बताया ये भी जा रहा है कि ये डेयरी का सप्लायर है और ये आरोपी काफी वक्त से पुलिस कर्मचारी बनके अपना काम करता रहता था। ये आरोपी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि खुद को पुलिस अधिकारी बताया करता था और सिर्फ डेयरी सप्लायर था, लेकिन पुलिस काफी वक्त से इसकी तलाश में लगातार लगी हुई थी और आखिरकार पुलिस ने इस फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। उधर गाजीपुर से बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा माफियाओं की संपत्ति जो है वो कुर्क हो चुकी है और 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। राजेंद्र और महेंद्र कोशवाहा की संपत्ति कुर्क हुई है और पारसनाथ की संपत्ति को भी कुर्क किया गया, यानी कि सदर कोतवाली छावनी लाइन का ये पूरा मामला बनता है, जहां पर पुलिस ने संपत्ति को कुर्क किया है और गाजीपुर शिक्षा माफियाओं की ये संपत्ति थी, जिसको लेकर 3 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति बताई जा रही। राजेंद्र और महेंद्र कोशवा की ये संपत्ति है, पारसनाथ की संपत्ति को भी पुलिस ने अब कुर्क किया है और सदर कोतवाली का ये पूरा मामला बन रहा है। गाजीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा माफियाएं और इनकी संपत्ति 3 करोड़ से ज्यादा की बन चुकी है। राजेंद्र महेंद्र कोशवा की ये संपत्तियां हैं और पारसनाथ की संपत्ति भी इसमें शामिल बताई जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।